मछुआरा और उसकी पत्नी। मछुआरा और उसकी पत्नी एक पहाड़ी पर रहते थे, एक बड़े सागर के करीब। हर दिन मछुआरा पहाड़ी पर जाता और रोजगार के लिए वो मछली पकड़ता। वो अपने इस विनम्र जीवन से खुश था, पर उसे पता था कि उसकी पत्नी खुश नहीं है। वो हमेशा क्रोधित रहती। इस गंदी कुटिया की तरफ देखो, ये बदबू मुझे बीमार कर देती है। मैं इसे रात दिन साफ करती हूँ, पर ये साफ होती ही नहीं। मछुआरा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, पर उसने कभी भी शिकायतें करना बंद नहीं किया। उन अच्छे दिनों में जब वो दो मछलियाँ पकड़ता तो पत्नी तीन की मांग करती। यदि वो उसके लिए आम लाता तो वो आड़ूओं की मांग करती। वो कुछ भी नहीं कर पाता उसे खुश करने के लिए। ओ प्रिय, तुम्हें खुश रखने के लिए मैं क्या करूं? इस बदबूदार कुटिया से मुझे बाहर निकालो, तब मैं खुश हो जाऊंगी। एक दिन वो मछुआरा मछली पकड़ने गया पहाड़ी के नजदीक। पानी शांत और नीला था। वो वहाँ उस गहरे समुद्र में अपने मछली का कांटा डालकर बैठा था। कुछ घंटे गुजर गए और वो थक गया। मेरे ख्याल से आज हमें फल खाकर गुजारा करना होगा। ओ रुको, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। पति ने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी को कसकर पकड़ लिया और खींचने लगा। ओ, ये तो बहुत भारी है, जरूर एक बड़ी मछली होगी। जब वो कांटा ऊपर आया तो वो हैरान रह गया एक चपटी सी चमकीली मछली को देखकर। ये बहुत ही रंग बिरंगी और चमकने वाली मछली थी। ओ चमकीली मछली, ये इतनी भारी क्यों है? शायद इसने बहुत ज्यादा खा लिया होगा। नहीं मछुआरे, इस कारण मैं बाकी मछलियों से भारी नहीं हूँ। क्या अभी अभी तुमने मुझसे बात की? ये कैसे हो सकता है? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हारे बारे में और भी ज्यादा जानता हूँ। मैं एक आम मछली नहीं हूँ, मैं एक जादुई राजकुमार हूँ। मुझे जाने दो, वैसे भी मैं तुम्हें स्वादिष्ट नहीं लगूंगा। कृपया मुझे मत मारो। ओ, कुछ मत कहो, मैं अवश्य एक बोलने वाली मछली को नहीं मारूंगा। तुम जा सकती हो। ओह, धन्यवाद। इस चमकीली मछली के बारे में अपनी पत्नी को बताने के बारे में मछुआरा बहुत ही बेताब था। वो दौड़ा दौड़ा घर गया और ये भूल गया कि आज अपनी पत्नी को देने के लिए कोई मछली नहीं है। प्रिय, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जल्दी आओ। क्या आज कोई मछली नहीं लाए? ओ नहीं, मैंने एक चमकीली मछली पकड़ी थी, पर वो बात करती थी। उसने मुझे बताया कि वो एक जादुई राजकुमार है। क्या? फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसे जाने दिया, वो अब समुद्र में है। तुमने एक जादू की मछली पकड़ी और उसे यूं ही जाने दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? हम गरीब और भूखे हैं, हम इस बदबूदार कुटिया में रहते हैं। कम से कम तुम एक बेहतर घर मांग सकते थे। वो मुझे घर कैसे दे सकता है? वो ऐसा नहीं कर सकता था। हमें इसी में खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है। मैं खुश रहूंगी यदि मैं एक बंगले में रहूं। क्या तुमने ये नहीं कहा कि वो एक जादू का राजकुमार था? तुमने उसकी जान बचाई, वो तुम्हारे लिए ये कम से कम कर सकता था। जाओ और जाकर एक बंगला मांगो। पति थोड़ा हिचकिचाया, पर वो वापस सागर की ओर गया। वो हैरान हुआ, पानी थोड़ा हरा और पीला हो गया था। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? शीघ्र ही चमकीली मछली सतह पर आ गई, जैसे कि वो उस पति के वापस आने का ही इंतजार कर रही हो। मेरी पत्नी खुश नहीं है। वो चाहती क्या है? उसे एक बंगला चाहिए। वापस जाओ, उसे ये मिल चुका है। पति वापस गया और उसने देखा कि उसकी पत्नी खड़ी है एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के दरवाजे पर। वो बंगला बहुत ही सुसज्जित और साफ सुथरा था, उसमें फर्नीचर और अंगीठी भी थी। प्रिय देखो, ये घर कहीं ज्यादा बड़ा और साफ है। हाँ, और हमारे पास आग जलाने की अंगीठी भी है। ये बहुत अच्छा है ना? क्या आप तुम खुश हो? हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। हमेशा के लिए? हम देखेंगे इसके बारे में। चलो अब खाना खाकर सो जाते हैं। उस रात पत्नी ठीक से नहीं सोई। वो ये सोचती रही कि वो किससे खुश हो सकती है।
सुबह वो पहले से ही अपने पति का इंतजार कर रही थी डाइनिंग टेबल पर। गुड मॉर्निंग पति देव। देखो ये घर हमारे लिए छोटा है। मुझे एक महल चाहिए और मैं एक रानी बनना चाहती हूँ। उस चमकीली मछली के पास जाओ और उससे कहो कि वो हमें एक महल दे। क्या तुम एक रानी क्यों बनना चाहती हो? हमारे लिए ये काफी है। इसका फैसला मुझे करने दो। उसके पास जाओ और मुझे एक रानी बनाओ। पति हिचकिचाते हुए सागर की तरफ गया। आज पानी बैंगनी था और हवाएं तेज चल रही थीं। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी खुश नहीं है। उसे क्या चाहिए? वो एक महल चाहती है और वो एक रानी बनना चाहती है। वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। जब पति वापस गया तो वहाँ से वो बंगला चला गया था और उसकी बजाय वहाँ एक ऊंचा महल खड़ा था जिसके बड़े बड़े पीतल के दरवाजे थे। बहुत से नौकर इधर उधर आगे पीछे भाग रहे थे। उसने अपनी पत्नी को एक सिंहासन पर बैठा देखा। उसके सिर पर एक ताज था। तुम अब एक रानी हो। हाँ मैं रानी हूँ। ये अच्छा है ना? क्या तुम अब खुश हो ना? नहीं, रानी बनना काफी नहीं है। मैं सम्राज्ञी बनना चाहती हूँ। क्या? मैं जानता हूँ तुम क्या सोचती हो। चमकीली मछली तुम्हें सम्राज्ञी नहीं बना सकती, ये असंभव है। तुम्हें उसके बारे में नहीं पता। उस मछली के पास जाओ और मुझे सम्राज्ञी बनाओ। मछुआरा हिचकिचाते हुए सागर की तरफ गया। उसने भूरे पानी की तरफ देखा और सोचा कि इसका कारण क्या हो सकता है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी खुश नहीं है। अब उसे क्या चाहिए? वो सम्राज्ञी बनना चाहती है। वापस जाओ, वो पहले ही बन चुकी है। मछुआरा वापस घर चलकर आया खुद से ये सोचते हुए कि क्या अब उसकी पत्नी खुश होगी। जब वो महल पर पहुंचा, अब वहाँ सोने के दरवाजे थे, उन बड़े बड़े पीतल के दरवाजों की जगह घर और भी बड़ा हो गया था। अंदर उसकी पत्नी एक सोने के सिंहासन पर बैठी थी। सभी राजे और मंत्री उसके सिंहासन के नीचे खड़े थे। उसके एक हाथ में सोने का गोला था और दूसरे हाथ में राजदंड। प्रिय, तुम सचमुच अब सम्राज्ञी हो। हाँ मैं हूँ। मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि वो मछली सब कुछ कर सकती है? हाँ तुमने कहा था। क्या अब तुम खुश हो? ओह मुझे पता नहीं, हम देखेंगे। आज मेरा दिन बहुत ही व्यस्त रहा, हमें सोने जाना चाहिए। मछुआरा डर रहा था कि पत्नी एक और मांग रखेगी, पर वो पूरे दिन की दौड़ भाग के कारण बहुत थक गया था। जैसे ही वो लेटा वो गहरी नींद में सो गया, पर पत्नी सो न सकी। वो बैठकर सोचती रही कि उसे क्या खुश करेगा। एक सप्ताह गुजर गया। हर रात मछुआरा प्रार्थना करता था अपनी पत्नी को खुश करने की, पर हर रात पत्नी बिस्तर पर बैठी रहती चांद और तारों को निहारती हुई। अंत में एक रात वो सोचते सोचते थक गई और वो आराम करना चाहती थी, पर क्या सुबह भी हो गई? सूरज को अब उगने की हिम्मत कैसे हुई? उसे पता होना चाहिए कि मैं एक सप्ताह से सोई नहीं। पतिदेव उठ जाओ, मैं सूरज और चांद को नियंत्रित करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी आज्ञा के बिना हिले भी। मैं सर्वशक्तिमान बनना चाहती हूँ, एक अज्ञात। कृपया ये बंद करो, मैं वापस जाकर अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालना चाहता। तुम हमारे जीवन को जोखिम में नहीं डालोगे, मैं हम दोनों की जिंदगी की मालिक बनूंगी। कुछ भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मछली के पास जाओ और मुझे सर्वशक्तिमान बनाओ। नहीं प्रिय, तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या मांग रही हो। मैं अब इसे और नहीं सह सकती। अगर तुम इसी समय नहीं गए तो मैं परेशान हो जाऊंगी, बहुत ज्यादा परेशान।
मछुआरा अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता था, पर वो जानता था कि ये गलत है। बाहर सागर पर बादलों ने घेरा डाल दिया था और हवा दहाड़ रही थी। ओह, ये कब खत्म होगा? ये बहुत गलत है। पानी, आज इतना काला स्याह है, मुझे सचमुच बहुत डर लग रहा है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हे मछली, मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। आखिर अब वो क्या चाहती है? वो सर्वशक्तिमान बनना चाहती है, अज्ञात। वापस जाओ, वो ये पहले ही पा चुकी है। वो मछुआरा बड़ी तेजी से वापस भागा। ओह, मुझे पता नहीं मेरी पत्नी को अब क्या बना दिया गया है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। ओह नहीं, ये क्या? मछुआरे ने जान लिया कि उसकी पत्नी चली गई थी, वो कहीं नहीं मिल रही थी। उसने ढूंढा और ढूंढा, वो वापस समुद्र के पास दौड़ा। पानी अब शांत और साफ था, बादल छट गए थे और सूरज चमक रहा था। जादू की मछली, ओ जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? कृपया वापस आओ। तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया? मैंने उसे वरदान दिया है, वो सर्वशक्तिमान और अज्ञात बनना चाहती थी। क्यों, मैंने सही कहा ना? और अब वो वही है। किसी ने सर्वशक्तिमान को आज तक नहीं देखा, अब वो अज्ञात है हर एक के लिए। नहीं, कृपया उसे मुझे वापस लौटा दो। मैं वरदान पलट नहीं सकता। रुको, मैं जानता हूँ अब तक मैंने अपनी पत्नी के लिए क्या मांगा है। तुमने उसकी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, पर मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई, मुझे मेरा वरदान दो। तुम सही हो, तुम क्या चाहते हो? मछुआरे ने गहरी सांस ली। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी हमेशा खुश रहे। वापस जाओ मित्र, उसके पास पहले से ही वो सब है जो उसे खुश रहने के लिए चाहिए। पति तेजी से घर वापस आया, वो हैरान था। उसने अपनी पत्नी को छोटी सी कुटिया के दरवाजे पर खड़ा देखा, पर अब वो बदबूदार नहीं था। वो अपनी पत्नी की तरफ दौड़ गया। ओह, तुम वापस आ गई, तुम वापस आ गई। हाँ प्रिय, मैंने ये जान लिया है कि महल और सिंहासन खुशी नहीं खरीद सकते, चलो अब घर चलें। उस दिन के बाद से मछुआरा और उसकी पत्नी एक दिन भी कभी भूखे नहीं रहे। पत्नी ने ये जान लिया कि खुशी छुपी रहती है सब सरल सी बातों में, और वो हमेशा राजी खुशी रहने लगी।